तो पहले से ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप चले आइए, आप वॉशिंग मशीन में नहाकर तरोताजा हो जाइए। आपके ऊपर कितने भी रुपए का आरोप लगे, कितने भी रुपए के भ्रष्टाचार में आप विलिप्त हों, लेकिन क्या मजाल कि कोई भी ईडी सीबीआई आपको पकड़ ले जाए। अभी आपने देखा कि आज ही प्रफुल्ल पटेल के 2017 के पुराने मामले में, जिसकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की जांच चल रही थी, आज उनको निर्दोष छोड़ दिया गया, केस बंद हो गया, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में आप आइए और आप तरोताजा हो जाइए, आप भ्रष्टाचार मुक्त हो जाइए। ईडी और सीबीआई का ऐसा उपयोग या ऐसा दुरुपयोग आज से पहले कोई सरकारों ने न तो किया था न तो कर रहे हैं। लेकिन अभी सब किससे कहें, अब चुनाव का समय है, हम यदि कोई प्रतिक्रिया देंगे, आरोप लगाएंगे नेताओं पर, तो लोग कहेंगे देखो ये राजनीतिक विरोधक हैं। लेकिन सच्चाई को कैसे कोई नकार सकता है? सीबीआई ने प्रफुल्ल पटेल जी को जिस प्रकार राहत दी है, यह साफ संकेत है कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का सदुपयोग, दुरुपयोग, उपयोग अपने फायदे के लिए करती है। बस इतना ही कहना है।